Welcome student, myself Ritika. Today I will teach you GK. Let's start unit 5, lesson 23, gadget in our life. देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पिक्स दी गई है और कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं। हमें जो है इस पिक को आइडेंटिफाई करके इसका नाम जो है बताना है। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें जंबल कर दिए गए हैं, उल्टे सीधे कर दिए गए हैं। हमें इनको सीधा करके जो है इस पिक्चर्स के जो फोटो बनी हुई है, इस पिक्चर में जो गैजेट्स है, हमने उसका नाम जो है बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहले है, ये आपने देखी भी हुई है, आपके घर में भी यूज होती है। ये क्या है बच्चों? वॉशिंग मशीन। क्या है ये? वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट जो है, ये आप सभी यूज भी करते हैं, अभी आपके हाथ में भी होगा। तो ये क्या है बच्चों? स्मार्टफोन। क्या है ये? स्मार्टफोन। ये बच्चों सफाई के लिए यूज होता है, जो हमारे जो डस्ट वगैरह होती है इसको ये अपने अंदर जो है ये खींच लेता है। इसको हम क्या कहेंगे? वैक्यूम क्लीनर। क्या कहेंगे इसको? वैक्यूम क्लीनर। जो है ये है वैक्यूम की हेल्प से, जो है हवा की हेल्प से जो है अंदर जो है अपने डस्ट को खींच लेता है और हमारे घर को जो है साफ कर देता है। नेक्स्ट बच्चों, ये आप सभी ने देखा भी होगा, इस पे कार्टून्स भी देखते होंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम? टेलीविजन। नेक्स्ट है डिश वॉशर। ये बच्चों जो बर्तन वगैरह साफ करने के लिए मशीन है उसको कहा जाता है डिश वॉशर। इसके अंदर हम अपने जो यूटेंसिल्स है ये डाल देते हैं और जो हमारे क्लीन जो है वो हो जाते हैं, तो इसको हम डिश वॉशर कहते हैं। नेक्स्ट आता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोवेव। ये जो है मोस्टली चीज़ों को गर्म करने के लिए या पिज्ज़ा और केक्स वगैरह बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, इसको हम कहेंगे फूड प्रोसेसर। देखो बच्चों, इसमें सारे कटिंग ग्राइंडिंग ये सारा काम जो है इसमें होता है। इसको हम मिक्सी या इसको फूड प्रोसेसर भी कहा जाता है, आप इसको फूड प्रोसेसर ही लिखोगे। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर। ये आप सभी के घर में होगा ही, आपको पता ही होगा। तो ये है रेफ्रिजरेटर। अब बच्चों, आपको यहाँ पे एग्जाम में जो है पिक्चर्स दी जाएंगी और पिक्चर्स ना भी देके आपको ये जंबल वर्ड्स दिए जा सकते हैं, आपको इसको सही करके इसका जो है नाम लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेसन आता है बच्चों 24, बॉडी वर्क्स। मतलब जो हमारा शरीर है वो किस प्रकार से काम करता है, हमें उसके बारे में बताया गया है। देखो सबसे पहले है द ओपनिंग थ्रो विच लाइट कैन एंटर आवर आइज। जब हम अपनी आंखें, सबसे पहले जो रोशनी है वो हमारे आंखों में कहाँ पर पड़ती है? देखो बच्चों, ये ब्लैक कलर की स्पॉट दिखाई दे रही है आइज में, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। सबसे पहले कोई भी जो रोशनी है सबसे पहले प्यूपिल पर ही जाती है। नेक्स्ट आता है द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। सबसे बड़ा जो हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स है उसका क्या नाम है? लीवर। देखो बच्चों, ये लीवर है, ये जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो है इंटरनल ऑर्गन्स है। नेक्स्ट आता है द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी कॉल्ड द स्टिरअप इज लोकेटेड हेयर। जो सबसे छोटी बोन है, सबसे छोटी हड्डी जो है हमारी, इसको स्टिरअप कहते हैं। ये जो है कहाँ पर पाई जाती है? ये ईयर में, कान के अंदर जो है हमारे पाई जाती है। नेक्स्ट है द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई। जो हमारी आंखों का कलर पार्ट है, देखो बच्चों, ये ब्लैक वाला तो प्यूपिल है, इसके जो साइड्स में कलर पार्ट है इसको इरिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द मसल्स लोकेटेड ऑन द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड द एल्बो। देखो बच्चों, जो ये मसल्स है इसके बारे में बता रखा है, ये जो शोल्डर और एल्बो के जो बीच की मसल्स होती है इसका क्या नाम है? इसको हम बाइसेप्स कहते हैं। ये जो बाइसेप्स होता है ये हमारे जो कंधे और हमारे जो एल्बो है इसके बीच की जो मसल्स है वो होती है। नेक्स्ट है दे हेल्प पास ऑक्सीजन इन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर वी इनहेल। ये जो ऑर्गन्स है ये क्या करता है? ये हमारी जो ऑक्सीजन है उसको हमारे खून तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हम सांस छोड़ते हैं, इनहेल्स करते हैं, तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो ये कौन सा ऑर्गन है? लंग्स। लंग्स जो है ऑक्सीजन को हमारे खून में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये आपका बॉडी वर्क्स, बॉडी पार्ट से बच्चों
आपको इसमें वन वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और आपको इसके जो ये आंसर्स हैं ये लर्न करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारे पास लेसन 25 ग्रेट इन्वेंटर। इन्वेंटर होता है जिन्होंने जो है आविष्कार किए हैं, उनके नाम है। यहाँ पे हमें उनकी फोटोज दिखाई गई है, हमें उन फोटो को आइडेंटिफाई करके उसके जो नाम बताने हैं। तो यहाँ पे जो है द पिक्चर ऑफ द सम नोटेबल इन्वेंटर और एंड देयर इन्वेंशंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर जो है हमें जिन्होंने इन्वेंट किया, जिन्होंने आविष्कार किया और जिस चीज का आविष्कार किया, उन दोनों की फोटो जो है हमें दिखाई गई है। हमें इन दोनों को पहचान के जो है उसका नाम बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो है ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने जो है सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था और इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई थी, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हो गया सिस्टम, फोटोफोन आ गया आदि। जो सारे आविष्कार जो है वो इन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थॉमस अल्वा एडिशन। ये जो थॉमस अल्वा एडिशन है, इन्होंने सबसे पहले जो है बिजली से चलने वाले बल्ब का आविष्कार किया था। साथ साथ में इन्होंने जो है फोनोग्राफर का भी आविष्कार किया था। तो ये कौन है बच्चों? थॉमस अल्वा एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लूलेमो मार्कोनी। ये जो ग्लूलेमो मार्कोनी है, इन्होंने सबसे पहले एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया जो बिना तार से संकेतों को दूसरी जगह पर भेजता है। तो इसका क्या नाम है? ग्लूलेमो मार्कोनी। ये इटली के महान वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों, ये है एमिल बर्निल। जो एमिल बर्निल है, इन्होंने जो है ये जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने जो जर्मन में जो है ग्रामोफोन का, जो हम गाने वगैरह सुनते हैं सीडीज लगा के पहले सुना करते थे, उनका जो आविष्कार है, ग्रामोफोन का जो आविष्कार है, वो एमिल बर्निल ने किया था। तो ये बच्चों हमारे यहाँ कुछ फेमस इन्वेंटर्स दिए गए हैं, हमें जो है इनके नाम विद स्पेलिंग जो है अच्छी तरीके से लर्न करने है। नेक्स्ट बच्चों देखो, हमारे पास आता है लेसन 26 फन साइंस फैक्ट। इसमें हमें कुछ साइंस के फैक्ट बताए हुए हैं जो हम अभी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले है, वी कैन प्रोड्यूस लेजर लाइट अ मिलियन टाइम्स ब्राइटर देन सनशाइन। हमने ऐसी लाइट प्रोड्यूस करी है, लेजर लाइट, जो आपने देखे भी होगी बच्चों कई प्रोग्रामों में या टीवी शोज में दिखाई देती है। इन जो लाइट्स की जो ब्राइटनेस है, जो चमक है, वो सूरज की रोशनी से लाखों ज्यादा गुना बड़ी होती है, मतलब ब्राइटर होती है, चमकने वाली होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन एन एवरेज ह्यूमन अनऑनली इन जस्ट 430 बक्स इन अ ईयर। यहाँ पे जो बक्स है वो होते हैं कीड़े, और इनजस्ट होता है निगलना, मीन्स जो है हम एवरेज में जो एक ह्यूमन है, एक इंसान जो है, वो 430 कीड़े जो है पूरे साल में खा लेता है, चाहे वो अपने फूड में हो या किसी और चीज में मिक्स होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, बक्स जो है वो खा लेता है। नेक्स्ट आता है, अ सिंगल रे प्लांट कैन स्प्रेड अप टू 400 माइल्स ऑफ अ रूट अंडरग्राउंड। एक जो सिंगल रे का प्लांट होता है, उसकी जो जड़ है, जो रूट है, वो 400 माइल्स तक फैली हुई होती है जमीन के अंदर, जो एक सिंगल रे का जो प्लांट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट माइट ओनली टेक अस अ फ्यू मिनट टू फिनिश अ मील। हमें जो है खाना खाने में कुछ ही मिनट लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 या 10 मिनट्स में हम अपना खाना जो है फिनिश कर लेते हैं। बट इट टेक आवर बॉडी अराउंड 12 आवर्स टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट। पर जो खाना हमने खाया है 10 या 15 मिनट्स में हमने उसे कम्प्लीट कर लिया, उसको डाइजेस्ट होने में, पचने में जो है पूरे 12 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है, वायरस आर यूजली अराउंड 100 times स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो वायरस होते हैं वो एक बैक्टीरिया, देखो बच्चों बैक्टीरिया भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है, तो जो वायरस होता है वो उससे 100 गुना छोटा जो है वो होता है। तो हम उसको ऐसे नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है वो देखा जाता है। तो ये है हमारा फन साइंस फैक्ट। यहाँ पे हमारी जो है यूनिट 5 कंप्लीट होती है बच्चों। आपने सभी ने जो है
आइडेंटिफाई द पिक्चर या जंबल बर्ड, इनको जो है लर्न करना है। ये वन वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर है जो मैंने अभी करवाए हैं, ये आपको इसके नाम जो है याद करने हैं। और यहाँ पे पिक्चर मैच दिया गया है, पिक्चर दिए गए हैं, आपको जो है पिक्चर्स के जो नाम है वो लर्न करने हैं। थैंक यू।